नून लीग ने कभी धांधली का रोना नहीं रोया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की राह में रोड़े नहीं अटकाए। कुछ जमातें 90 की दहाई वाली सियासत कर रही हैं। वजीर आजम की तुर्कमानिस्तान में बैठकर अपोजिशन पर तनकीद। मोहम्मद एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गलनई में एफसी कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एफसी अहलकार शहीद, 10 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक जवानों ने खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी। फैसलाबाद के पॉश एरिया अमीन टाउन में भी गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज सिस्टम भी नकारा। मुकामी नुमाइंदों को इख्तियारात न मिलने से मसाइल बढ़ने लगे। 24 न्यूज आवाम के बुनियादी मसाइल के हल और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिलवाने के लिए सरगर्म। शहर शहर के मसाइल उजागर करने लगा। जागो पंजाब 24 न्यूज के साथ। बस पर भारतीय फौज की गोलाबारी के बाद मकामी आबादी ने शहराए नीलम बंद कर दी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। ननकाना साहब में मोड़खंडा के करीब घर में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। एक ही खानदान के 4 अफराद झुलसकर जांबहक हो गए। जांबहक होने वालों में मां, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल।